देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना एक तरीके का है चलने का। एक आम आदमी उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, दैट गोज अगेंस्ट द कंटेंट ऑफ द कोर्ट। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 2.5 साल से पीपल्स कॉन्फ्रेंस लिटिगेंट है इस मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट में गई है। हमारे जो लॉयर हैं ग्रोवर साहब, जो बाबरी मस्जिद के भी वकील रहे हैं इशू पर, वही हमारे भी लॉयर हैं। हमारे प्रेसिडेंट सज्जाद साहब हैज ऑलरेडी टेकन, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करी है कि अर्ली हेयरिंग के लिए इकदाम किए जाए। वी वॉन्ट दैट ऑनरेबल कोर्ट शुड हेयर पिटिशन, क्योंकि इस पिटिशन के साथ जो दूसरे मामला जुड़ गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, डिलिमिटेशन। हम समझते हैं कि जब इशू पूरा इशू ही सुप्रीम कोर्ट में अंडर हेयरिंग है तो डिलिमिटेशन नेचुरली नहीं होनी चाहिए थी। जो यहाँ पे जमीनों के बारे में फैसले हुए, जो 370 के एब्रोगेशन के बाद उसके साथ जुड़े हुए जो मामला थे जिसपे हमारी सरकार ने जो फैसले लिए, दे ऑल बिलोंग टू दैट पिटिशन। दे आर पार्ट ऑफ दैट पिटिशन बिकॉज दैट basic decision of abrogation has been challenged in this court of law, so everything should have stopped. lekin ye aap dekh rahe hain ki nahi hua hai, uske khilaf hum kehte hain, hum qaeen ki hum apne supreme court ki izzat karte hain. this is not obligatory only on the Jammu and Kashmir people or people of India, it should be obligatory on the part of the government of India. they should have stopped every exercise, they should have stopped, lekin nahi kari. एक हेजमनी के तौर पे जो कुछ हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली जो उस वक्त जवाजतें इन्होंने दी पार्लियामेंट में और बिरूनी पार्लियामेंट कि हमारे यहाँ पे जी इम्पीडमेंट्स हैं, तमीर तरक्की 370 की वजह से नहीं हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है। अब आप 2.5 साल के बाद देख लीजिए विच वन हैज इम्प्रूव्ड, क्या लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ 1990 के बाद? आज 2021 में आप देख रहे हैं पहली बार माइनॉरिटीज पे हमले अगेन शुरू हो गए, अनफॉर्चुनेटली, अफसोस की बात है। हर रोज कहीं ना कहीं सिविलियन किलिंग, पुलिस वाले की मौत हो जाती है, आप देख रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पे आप देख लीजिए क्या ब्यूरोक्रेसी का कोई कनेक्ट अवाम के साथ है? क्या एक ब्यूरोक्रेट मुतबादिल हो सकता है अवामी नुमाइंदे का? लोग जिस तरीके से अपने नुमाइंदों से बात करते हैं, बात मनवाते हैं, मसाइल का हल करवाते हैं, क्या ब्यूरोक्रेट के पास उनको एक्सेस है? यू सी डेजर्टेड सेक्रेट, आपको याद होगा 3 साल पहले जब अवामी हुकूमत थी, 4 साल पहले, चाहे किसी की भी थी, पीडीपी की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, बीजेपी की थी, सेक्रेट में आप कतार दर कतार लोगों को दिखते थे। आज सेक्रेट को आप देखें, क्या कहीं आपको एक आदमी नजर आता है बाहर खड़ा वहां पे? क्योंकि लोगों का कनेक्ट सरकार के साथ नहीं है। सज्जाद साहब ने राइटली यह सेड, इट्स गवर्नमेंट इज ऑन वन प्लेनेट एंड पब्लिक इज ऑन द अनदर वन। सो मैं समझता हूं कि जितने दलायल दिए गए हैं कि एब्रोगेशन के हक में, वो सारे गलत साबित हुए, बेवजन साबित हुए, हालात खराब ही हुए, ठीक नहीं हुए, डेवलपमेंट में हम पीछे चले गए। वी वर बेटर देन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो हमारे मुल्क की बहुत सारी रियासतें हैं, एदाद शुमार की बुनियाद पे मैं वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि हम कई रियासतों से माली हालात में, इकोनॉमिकली, हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, तमीर और तरक्की में बहुत आगे थे, आज हम सबसे पीछे चले गए हैं। दिस इज वॉट वी हैव गॉट।